हेलो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक का रिव्यू लेकर आने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की उसकी एवरेज भी है तो कितनी उसकी प्राइस है और क्या उसकी एवरेज है और लुक वाइज कैसे आपको देखने को मिल जाएगी तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा उस बाइक के बारे में और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा कमाल कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको मैं बाइक के बारे में देने जा रहा हूँ और वीडियो को जिन भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ये जो बाइक आप दोस्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम है 70 CC, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक है इसका इसका आप स्टॉक देख सकते हैं तो इसका मैं आपको 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 अभी कंप्लीट रिव्यू दूंगा रेड कलर कलर के अंदर कलर के अंदर अंदर भी भी और ब्लैक इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा और कम्पलीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा तो रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं जी बाइक के राइट साइड के बारे में कि राइट साइड पर हमें किस किस चीज के ऑप्शन देखने को मिल जाते है तो राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि इसका इंजन हमें देखने को मिल जाता है फोर स्टॉक एयर कूल्ड इसका, इसका इंजन हमें देखने को मिल जाता है इसका नाम एच डी सी डी आई सेवन सी सी हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की है बिल्कुल होंडा की कॉपी फर्स्ट कॉपी आप लगा लें कि बिल्कुल इसके अंदर वैसे के वैसे फीचर्स दिए गए हैं और इसकी प्राइस भी होंडा से हमें कम देखने को मिल जाती है तो इंजन के साथ आप बैक ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ में आपको फुट रेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो यह बाइक आपको किक स्टार्ट वाले वर्जन में भी देखने को मिल जाएगी और आप बैक पर देख सकते हैं कि फुट रेस्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिल

देखने को मिल जाते हैं सेवनटी से थोड़े से हट कर हैं इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल जाती है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जल्दी ये बाइक आपको मार्केट में भी देखने को मिल जाती है तो टापे की लुक भी आप देख सकते हैं कि टापे के ऊपर भी बिल्कुल वैसे के ग्राफिक्स किए गए ग्राफिक जैसे कि हमें टैंकी के अंदर देखने को मिल जाते हैं काफी ज्यादा कमाल के ग्राफिक्स हैं और उसके ऊपर एच डी सी डी आई सेवनटी का प्रिंट इसके ऊपर किया गया है टापे के ऊपर एच डी सी डी आई सेवनटी का अब बात कर लेते हैं जी बाइक की लेफ्ट साइड के बारे में कि लेफ्ट साइड पर हमें किस किस चीज के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं जी इसके गेयरस के बारे में कि इसके ट्रांसमिशन हमें कितनी गेयर की देखने को मिल जाती है तो इसके के अंदर हमें चार गेय देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हमें सेवनटी के अंदर सी डी सेवनटी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं होंडा सीडी सेवेंटी के अंदर तो अब बात करते हैं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी हमें कितनी देखने को मिल जाती है तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हमें वन थर्टी सिक्स एम एम की हमें इसकी ग्राउंड क्लियर देखने को मिल जाती है तो पेट्रोल की कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें कैपेसिटी पेट्रोल की कितनी देखने को मिल जाती है तो इसके अंदर हमें एट पॉइंट फाइव लीटर का टैंक देखने को मिल जाता है जिसके अंदर हमें वन लीटर की रिजर्व पेट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो अब बात करते हैं कि ये एक लीटर पर हमें कितनी एवरेज हमें देखने को मिल जाती है तो कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि ये एक लीटर पर हमें नाइन्टी टू किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देती है छ या झूठ तो इसका रोड पे टेस्ट भी किया गया था जिसके अंदर कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी और ये कितने लीटर पर हमें कितनी एवरेज दे देती है अब बात करते हैं जी इसके फ्रंट फ्रंट साइड के बारे में पर आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट के अंदर हमें बल्ब देखने को मिल जाता है बिल्कुल वैसे की वैसी बाइक कॉपी हमें देखने को मिल जाती है जैसे कि हमें सेवनटी की हमें देखने को मिल जाती थी और साथ में हमें इसके दो इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम होंडा सी डी

टायर हमें 250 पॉइंट पीआर माइनस सेवनटीन फोर पी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है इसके अंदर हमें सर्वस और पेंथर के टायर्स हमें देखने को मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है तो अब बात करते हैं जी इसके वेट के बारे में कि इसका हमें वेट कितना देखने में मिल जाता है तो इसका वेट हमें एटी टू के अराउंड अबाउट इसका हमें वेट देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं जी बाइक के बैक साइड के बारे में बैक साइड पर हमें इसकी पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट हमें देखने को मिल जाती है बिल्कुल होंडा जैसी और साथ में इसके दो इंडिकेटर हमें देखने को मिल जाते हैं इंडिकेटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा इसके फ्लैक्सीबल हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और इसके शाक के बारे में बात करते हैं जो इसके शाक हमें काफ़ी ज़्यादा नरम देखने को मिल जाते हैं इसके शाक हमें बिल्कुल वही देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें होंडा के अंदर देखने को मिल गए थे तो अब बात करते हैं जी इसके कलर्स के बारे में कि इस बाइक के अंदर हमें कितने कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो इस बाइक के अंदर हमें दो कलर्स देखने को मिल जाते हैं तो दोनों कलर्स आपको वीडियो के अंदर मैं साथ साथ शो करता जा रहा था तो एक रेड कलर आपको देखने को मिल जाता है तो दूसरा ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा कमाल के कलर्स देखने को मिल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इस बाइक की प्राइस हमें कितनी देखने को मिल जाती है तो इस बाइक की प्राइस हमें नाइनटी टू से नाइन्टी फाइव थाउजेंड के अराउंड अबाउट इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है तो ये बाइक कमिंग सोन पर है तो ये बाइक आपको जल्द ही पाकिस्तान की मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए इतना ही तो नेक्स्ट आपको इसकी असेंबलिंग वीडियो देखने को मिल जाएगी और आपको इसकी एक लीटर पर एवरेज की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी कि ये बाइक एक लीटर में नाइनटी टू किलोमीटर चलती भी है कि नहीं तो आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए इतना ही तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा